हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम यूएससीएमए फर्स्ट पार्ट का एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, ये लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यूएससीएमए में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते, आपको केस स्टडीज भी आती हैं। और मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ये एक जो टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल पर आते हैं। अगर आप पूरे करिकुलम को देखेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कई स्टूडेंट को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। उसका सिंपल रीज़न है डिफिकल्ट लगने का कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक में फॉर्मूलेस को रटने की कोशिश करते हैं, और अगर आप फॉर्मूलेस को रटने की कोशिश करेंगे सो डेफिनेटली एक दिन फॉर्मूला आप भूल जाएंगे। और आप एनालिटिकल देखिए, यूएससीएमए की एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और केस स्टडी, अगर केस स्टडी आ गई तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए तो आपको एनालिसिस करना होगा। तो एनालिसिस फॉर्मूले को रट के नहीं किया जा सकता। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग करूंगा और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा, प्लस आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। सो इस तरीके से हमारी पूरी अप्रोच होने वाली है। मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसे बहुत सारे एक समराइज नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। देखिए, ग्लैम का जो स्टडी मटेरियल है वो नो डाउट इंटरनेशनल स्टडी मटेरियल, लेकिन कई बार इंडियन स्टूडेंट थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए यूज्ड होते हैं, तो जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनकी ऐसी पीपीटी शीट बनाकर आपको बिल्कुल प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को जिस पूरे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपसे 100% न्यूमेरिकल और 100% केस स्टडीज क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएससीएमए पार्ट वन में वेरियंस एनालिसिस। तो चलिए, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर वन, वेरियंस एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर। तो काफी बड़े लेक्चर्स हैं ये, अराउंड 10 आवर्स इसमें हम स्पेंड करेंगे, क्योंकि वेरिएंस, डिफरेंट वेरिएंस हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले सर, वेरिएंस एनालिसिस जो है वो बेसिकली बात करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। सो सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझें। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो प्राइम पर्पस है, अगर आप देखें, सो एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपना एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है या मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लेती है, तो कोई भी प्रोडक्ट को एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है कि इसकी टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इसकी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। सोचिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हो और लेट्स से आप फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते हैं और आप मार्केट में कोरोना वायरस की कोई नई वैक्सीन को क्या करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया, तो उसकी प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले आपको उसकी कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो कोविड है, जो कोविड के लिए जो मैं वैक्सीन बना रहा हूं, उस वैक्सीन को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए और उस स्टैंडर्ड कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़कर उसको क्या करेंगे, एक्चुअल में मार्केट में सेल करेंगे। तो अगर आपने इस कॉस्ट का सही एनालिसिस नहीं किया तो आपकी कॉम्पिटिटर कंपनीज अगर सही तरीके से कॉस्ट का एनालिसिस करके सही स्टैंडर्ड सेट करके अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को लॉन्च करेंगी तो उनकी जो वैक्सीन है, उनकी जो मेडिसिन है, आपकी मेडिसिन से कम प्राइस पे बिकेगी, और जब वो आपकी मेडिसिन से कम प्राइस पे बिक रही तो लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे अगर क्वालिटी सेम है। सो मेरा कहने का मतलब यह कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को अगर आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी लगता है, अगर कॉस्ट के एलिमेंट्स देखें तो कॉस्ट के बेसिकली ब्रॉडर टर्म में 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा, उसके बाद उस रॉ मटेरियल के ऊपर आप लेबर से प्रोसेसिंग करेंगे और अदर एक्सपेंडिचर, जिसको कि ओवरहेड बोला जाता है। इन प्रोसेसिंग करने के बाद आप एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक्चुअल में बनाने से पहले उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं बनाने जा रहा हूं तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, और फिर उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा, सीएमए के द्वारा, आप लोगों के द्वारा स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, और कंपेरिजन के बाद
हम पता करेंगे कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने एक्चुअल में सेट करी थी उससे हमारी एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस, और इस डिफरेंस को जो एनालिसिस करेंगे हम, इसी को क्या बोलेंगे, वेरियंस एनालिसिस। तो सर वेरियंस एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने में हेल्प करेगा कि दो हु आर द पर्सन, दोज हु आर द पर्सन जिनके कारण कंपनी की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो टारगेट कंपनी ने सेट किया था वो मीट आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सर नटशेल में मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एक्चुअल कॉस्ट से, और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसका वेरियंस एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके रीजन जानेंगे कि कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस वेरियंसिस के लिए। सो वेरियंस को हमने यहां पे दो कैटेगरी में बांट देना है, एक वेरियंस होगा आपका एडवर्स वेरियंस और दूसरा वेरियंस होगा आपका फेवरेबल वेरियंस। सर एडवर्स और फेवरेबल कब आएगा, क्योंकि ये कॉस्ट का वेरियंस है, मतलब यहां पर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से क्या कर रहे हैं गाइस, कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब आप एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कह लीजिए या स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मान के चलिए आपकी एक्चुअल कॉस्ट मोर देन स्टैंडर्ड से है, मतलब मोर देन स्टैंडर्ड है, लेट से आपने वैक्सीन बनाने का टारगेट सेट किया था कि हम $5 में एक वैक्सीन बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सोची, लेकिन अगर एक्चुअल कॉस्ट उस वैक्सीन की $7 लगी तो मतलब एक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा आ गई है, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है ये क्या है, एक प्रकार का एडवर्स वेरियंस, कि कंपनी ने जो कॉस्ट सोची थी उससे ज्यादा कॉस्ट आई एडवर्स, दिस इज कॉल्ड एडवर्स वेरियंस। लेकिन सर अगर मान के चलिए कंपनी के लेबर डिपार्टमेंट ने, कंपनी ने बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, कंपनी की वैल्यू चेन काफी स्ट्रांग थी, लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत अच्छा था, तो जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे भी कम प्राइस पर हमने क्या कर लिया, एक्चुअल कॉस्ट पे वो पर्टिकुलर वैक्सीन को बना लिए, तो इस वेरियंसिस को क्या कहेंगे हम, फेवरेबल वेरियंस। तो फेवरेबल जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आए, और एडवर्स जब एक्चुअल कॉस्ट जो स्टैंडर्ड सेट करी है उससे ज्यादा आए। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट के वेरियंस का एनालिसिस करेंगे और एक्चुअल में जानेंगे कौन वो पर्सन है जिसके कारण कंपनी में ये कॉस्टिंग में क्या आया है, वेरियंसिस आया है। तो इस पूरे वेरियंसिस को हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है सर। मतलब आप अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस निकाल के उसका वेरियंस एनालिसिस करते हैं और रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन पर्सन इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने आपके सामने, पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको ये पीपीटीज, ये जो नोट्स हैं मेरे, ये आपको एट ए ग्लांस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं आपको। ऐसे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स लाइक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, उसके बाद अगर हम देखें डेरिवेटिव्स, लीज अकाउंटिंग, इम्पेयरमेंट, इनकी सब की पीपीटीज मिलेगी, ताकि आप क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। कुछ लेक्चर्स में यूट्यूब पर भी डालूंगा ताकि सभी बच्चे इसको एक अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो मैंने बात करी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें मटेरियल लगाएंगे, और मटेरियल के बाद उसमें क्या लगेगी, लेबर लगेगी, लेबर क्या करेगी उसके ऊपर प्रोसेस करेगी सर, और प्रोसेस करने के बाद जो है उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी लग सकते हैं। तो किसी भी कॉस्टिंग में, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होगा वो रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और रॉ मटेरियल भी एक डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेन मटेरियल कुछ और है, और मेन मटेरियल के साथ में थोड़ा बहुत और हमें क्या करना पड़ता है, मटेरियल को, इनडायरेक्ट मटेरियल को क्या करना पड़ता है, एड ऑन करना, डायरेक्ट लेबर जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो इन सारे सेगमेंट को हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज जो मेरा प्राइम पर्पस है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस, आपको जो रॉ मटेरियल वेरियंस के बारे में पूरा समझाना, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम लोग करने वाले हैं।
तो सबसे पहले देखिए आपके सामने कॉस्टिंग का जो पहला एलिमेंट है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के की जो कॉस्टिंग है उसको हम पता करेंगे कि जो रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से कितनी वेरी करती है। हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सोच रखी थी मटेरियल के लिए, इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल के लिए सोचें ना, इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर के लिए सोचेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ओवरहेड के लिए सोचेंगे, और फिर उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंसेस आएगा उसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं, वेरियंस एनालिसिस बोलते हैं। सो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस में बेसिकली जो सबसे पहला वेरियंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मटेरियल प्राइस वेरियंस। फिर मैं आपको पूरा इन वेरियंसिस के बारे में समझाने के बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आप उसको समझ सकें। तो देखिए सबसे पहले जब हम प्राइस वेरियंस के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, आप शीट में देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने एक पर्सन को बना रखा है। आप देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो अल्टीमेटली गुड्स को प्रोक्योर करने की जो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो गुड्स को, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को कौन खरीदेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर अलग हो सकता है और एक परचेस मैनेजर अलग हो सकता है। तो परचेस मैनेजर इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर परचेसिंग द गुड्स। अगर मान के चलिए कंपनी ने कोई प्राइस सेट करी है कि सपोज दैट हमें कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, हम एक फिनिश गुड्स बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल की प्राइस मार्केट सर्वे टेंडर के बेसिस पर हमें परचेस मैनेजर को बता देंगे कि लेट से आपको ये पर्टिकुलर कमोडिटी जो है इस प्राइस के ऊपर खरीदना है। अगर मान के चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ कि अगर मान के चलिए हमने क्या किया, ये वैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है इसके नीचे मैं आपको समझा, मान के चलिए हमने डिसाइड किया कि हमें लेट से फ्लोर खरीदना है, फ्लोर, और हमने हमारे परचेस मैनेजर को प्राइस दे दी कि आप क्या करो 15 रुपीज पर केजी में क्या करो, फ्लोर को खरीदो। मतलब हमने उसको एक स्टैंडर्ड प्राइस दे दी। देखिए हमने क्या दी उसको, स्टैंडर्ड प्राइस कि आपने पर केजी फ्लोर जो है वो 15 रुपीज पर केजी में बाय करना है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट उसको दे दी गई है कि आप क्या करें, इस प्राइस पर क्या करें, फ्लोर को खरीदें या रॉ मटेरियल को खरीदें, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेस करती। अब अगर मान के चलिए वो परचेस मैनेजर इस 15 रुपए पर केजी से ज्यादा के ऊपर प्राइस पर उस रॉ मटेरियल को खरीद लेता है, तो जो 15 रुपए में हमने डिसाइड किया था लेट से वो 20 में खरीद लेता है, तो अल्टीमेटली 1 किलो के ऊपर उसने कितना नुकसान करा दिया कंपनी को। तो हमने यहां पर क्या किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट किया, कि कंपनी ने 15 रुपए डिसाइड किया था और उसने कितने में खरीदा इसको, 20 रुपीज में खरीदा, तो जो 5 रुपए का जो नुकसान हुआ है अल्टीमेटली, ये जो भाई साहब फोन पे बात कर रहे हैं ना परचेस मैनेजर, ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्या इस बात के लिए मैं कंपनी के एचआर को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं, नहीं, क्योंकि एचआर का काम माल खरीदना नहीं है। क्या इस बात के लिए कंपनी की लेबर को ठहराऊं, नहीं, उनका काम माल खरीदना नहीं है। क्या प्रोडक्शन मैनेजर को, नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर का काम परचेसिंग करना नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर का काम तो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो अल्टीमेटली जो सबसे पहले जो वेरियंस आप देख रहे हैं, ये जो प्राइस वेरियंस, ये प्राइस वेरियंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सर प्राइस वेरिएंस पे हमारा पूरा का पूरा फोकस पर यूनिट की प्राइस पे होगा, कि अगर सर एक यूनिट को खरीदने के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट है उससे एक्चुअल कॉस्ट कितनी डिविएट करती है। तो पूरा फोकस देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस में, अगर आप इस नोट पे देखें तो मैंने यहां पे प्राइस लिखा है। अभी पूरा फॉर्मूला समझेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन अभी मैं आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को फिट कर रहा हूं कि पर मटेरियल प्राइस वेरियंस में हमारा पूरा कंसर्न उस कमोडिटी की प्राइस पर होता है, कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल प्राइस को कंपेयर करके
हम क्या करेंगे, वेरियंसेस निकालेंगे जिसमें एडवर्स वेरियंस निकल सकता है, कब, जब एक्चुअल प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा हो। वही परचेस मैनेजर अगर बहुत केपेबल है तो जो स्टैंडर्ड प्राइस सेट की थी उससे कम पे खरीद ले, तो हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड कर देंगे, हम उसको इंसेंटिव्स देंगे कि वाह यार आपने तो बहुत सस्ते में माल खरीद लिया क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। क्वालिटी का अनदर कंसेप्ट, हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस बताई थी आपने उससे कम प्राइस पे खरीदा, तो इसका मतलब आपका जो वेरियंसेस हैं वो फेवरेबल वेरियंसेस, आपने कंपनी का क्या करा दिया, बेनिफिट करा दिया। तो परचेस मैनेजर को इंसेंटिव्स देंगे, और अगर सर फेवरेबल आएगा और एडवर्स आएगा तो उसको पनिश करेंगे। तो परचेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस वेरियंस। अभी फॉर्मूले नहीं समझे, अभी तो लॉजिक समझ रहे हैं। पता चले आप फॉर्मूले रट रहे हैं कि परचेस में ये करो, बेटा अगर फॉर्मूले रटेंगे ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यूएससीएमए को पास करना। इसीलिए हर बच्चे के साथ में मैं ये बोलता हूं कि आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करनी है यूजेज कंजम्पशन। तो मुझे बताइए कंजम्पशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या परचेस मैनेजर फैक्ट्री में माल बनाता है या जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो लेबर को हायर करता होगा और उनको एक क्वांटिटी देता होगा कि यार आपको एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में इतना रॉ मटेरियल यूज करना है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने उसको स्टैंडर्ड पहले से दे रखा होगा कि आप क्या करें, हम आपको एक स्टैंडर्ड डेटा देते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में इतना क्वांटिटी रॉ मटेरियल लगना चाहिए। अब अगर आप उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपको दी गई है उससे ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, इसको हम क्वांटिटी वेरियंस या यूजेज वेरियंस भी बोल सकते हैं। कि जो आपने, हमने आपको, लेट से हमने आपको बोला, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि एक यूनिट बनाने के लिए आप 1 किलो रॉ मटेरियल यूज कर रहा, एक मेडिसिन बनानी है या कुछ बनानी है, हमने 1 यूनिट के लिए 1 केजी का डेटा उसको दिया, और अगर वो 1 यूनिट को बनाने में 1.5 केजी रॉ मटेरियल यूज कर ले तो मुझे बताइए यहां पर उसने ज्यादा रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स को बनाने में यूज कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उससे वो क्या कर गया है, डिविएट कर गया है। तो ऐसे प्रोडक्शन मैनेजर को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही तो हमें पता चलेगा कि परचेस प्राइस में हमें कितना नुकसान हुआ और जो रॉन्ग यूजेज, जो एक्स्ट्रा यूजेज हुआ उसके कारण क्या नुकसान हुआ। इन दोनों वेरियंसेस का जो टोटल आएगा सर, क्वांटिटी, ये जो लिखी है क्वांटिटी वेरियंस प्लस प्राइस वेरियंस इज इक्वल टू मटेरियल, ये टोटल वेरियंस। तो टोटल वेरियंस दो रीजन से आएगा सर। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल में, कि सर कॉस्ट वेरियंस में मटेरियल प्राइस वेरियंस और क्वांटिटी वेरियंस का जो टोटल है उसी को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। तो प्राइस के कारण जो एक्स्ट्रा प्राइस लग गई और जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, इन दोनों का जो टोटल बनेगा दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। और फिर इन वेरियंसेस का हम क्या करने वाले हैं गाइज, एनालिसिस करने वाले। चलिए तो सर एनालिसिस करते हैं। तो प्राइस और यूजेज वेरियंस मिलकर अगर शीट पे आए तो सर प्राइस और यूजेज वेरियंस मिलकर जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। तो सर प्राइस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, परचेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, और यूजेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोडक्शन मैनेजर। अब आप फर्दर और देख रहे हैं, मिक्स वेरियंस और यील्ड वेरियंस। अभी आपको पहले मैं यूजेज समझाऊंगा, प्राइस समझाऊंगा, उसके बाद मिक्स वेरियंस समझाऊंगा, उसके बाद यील्ड वेरियंस समझाऊंगा। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस ये होना चाहिए कि सर ये जो दो वेरियंस, एक प्राइस के कारण और एक क्वांटिटी के कारण जो डिफरेंस आ रहे हैं उसको हमने क्या करना है, समझना है। तो अल्टीमेटली हमारा फोकस क्या है कि सर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो कंपैरिजन में जो डिफरेंसेस आ रहा है उस वेरियंसेस का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस। तो वेरियंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फेवरेबल और एक एडवर्स, और फेवरेबल और एक एडवर्स। फेवरेबल कब आएगा सर, जब एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम लगे,
और सर एडवर्स कब आएगा, जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बताई थी उससे ज़्यादा हमारी क्या लग जाए, एक्चुअल कॉस्ट लग जाए। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, एडवर्स वेरियंस बोलेंगे। और इन वेरियंस का फर्दर फिर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो टोटल कॉस्ट में प्राइस वेरियंस और यूजेज वेरियंस। तो आगे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है, हम एक एग्जांपल क्वेश्चन में बना को समझते हैं। पूरा क्वेश्चन में आपको यहां पे कराने वाला हूं, तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे, फिर फॉर्मूला भी बना लेंगे। सर जो फॉर्मूला जो बच्चे रटते हैं ना, वो देखें कि अगर आपको फॉर्मूला रटना भी है ना बेटा, तो लॉजिक से जाएंगे ना, तो रटना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। चलिए सर सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको पूरा एनालिसिस करेंगे और दोनों तीनों वेरियंसेस को हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले। एक कंपनी एस्टैब्लिश ए स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एक कंपनी ने एक मटेरियल कॉस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो बनाना है, फिनिश गुड्स बनाना है, उसके लिए पहले से एक मटेरियल कॉस्ट को क्या कर लिया, सेट कर लिया। जैसे कि यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट दी है कि अगर हम एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाए तो हमें दो प्रकार के रॉ मटेरियल लगते हैं। सर कौन से प्रकार के दो मटेरियल लगते हैं, एक जेड लगता है, सर ये जेड का कलर थोड़ा सा अलग कर देते हैं हम, जेड लगता है और एक मटेरियल क्या लगता है बेटा, क्यू लगता, मतलब एक यूनिट में दो मटेरियल का प्रोपोर्शनेट कॉम्बिनेशन लगता है। दो मटेरियल को कंबाइंड करके आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स बना रहे हैं। और उसका कंपोजिशन आपको गिवन है, कंपोजिशन मतलब किस तरीके से उसको यूज करना है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट ने, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने सारी डिपार्टमेंट से डिस्कस, सीएमए ने ये डिस्कस करके डिसाइड किया। सोचिए आपका रोल क्या होता है, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि जब आप एक सीएमए बन जाएंगे तो आपका काम प्लानिंग एंड बजटिंग है, आपका काम अकाउंटिंग का नहीं है गाइस। तो इट्स अ वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन, आप एक ह्यूज प्रोफेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं जो आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आपके अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप करना है। चलिए तो हमने यहां पे बात करी, एक यूनिट को बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल जेड, जो रॉ मटेरियल जेड है, एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगेगी, दो यूनिट लगेगी। कौन से मटेरियल की, मटेरियल जेड की। हमारा फिनिश प्रोडक्ट का हम कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे, मान के चलिए फिनिश प्रोडक्शन का मैं जो नाम दे देता हूँ वो पीके दे दे, मतलब पीक्यू दे देता हूँ। ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम हमने पीक्यू दे दिया, इसको मैं फिनिश प्रोडक्ट के नाम से आगे बोलने वाला हूँ। इसको हम कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई कि हमारा ये पीक्यू है। तो ये जो पीक्यू है इसकी एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जेड कितनी यूनिट लगता है, सर दो यूनिट लगता है। और सर एक यूनिट पर यूनिट लिखा है, देखिए छोटी छोटी माइन्यूट बात को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक यूनिट जो हम खरीद के लेकर आते हैं वो 10 रुपये पर यूनिट पे खरीद के लेकर आते हैं। और रॉ मटेरियल क्यू, एक यूनिट ऑफ पीक्यू बनाने के लिए 3 यूनिट लगती है और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 15 रुपये पर यूनिट। अब यहां पर आपको स्टैंडर्ड डेटा भी गिवन है और एक्चुअल डेटा भी गिवन है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, स्टैंडर्ड डेटा को एक्चुअल डेटा से क्या करना है, कंपेयर करना है। सर स्टैंडर्ड डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर करें कि एक्चुअल से करें, किसी से भी कंपेयर कीजिए। आपको बस इतना लगना चाहिए कि आपकी अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है, चाहे एक्चुअल पहले रख लो चाहे स्टैंडर्ड पहले रख लो, उससे कोई फर्क नहीं। रोटाफिकेशन नहीं कि एक्चुअल पहले आता है स्टैंडर्ड बाद में आता है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। तो ये देखेंगे जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उससे एक्चुअल ज्यादा लग रही है या कम लग रही है। अगर एक्चुअल ज्यादा लग रही है तो नुकसान है और एक्चुअल कम लग रही है तो फायदा है। फायदा मतलब फेवरेबल और नुकसान मतलब एडवर्स। अब काम की एक बात, आप देखिए आपको यहां पर एक यूनिट का डेटा दिया है और इत्तेफाक से यहां पर एक यूनिट का डेटा दिया है, लेकिन कंपनी ने नीचे एक डेटा यह भी लिखा है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 30,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, एक्चुअल प्रोडक्शन बेटा 30,000 यूनिट है। तो एक बात मैं बड़े गोल्डन वर्ड में लिख रहा हूं, बहुत बड़े अक्षर में लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, जो बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो ध्यान रखिए यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप जब तक एक्चुअल आउटपुट नहीं ढूंढेंगे, ये मैंने मेरे सर से सीखा है, जब हम स्टूडेंट्स थे तब हमको सर ने ये बड़े अक्षर में लिख दिखाया था बड़े बोर्ड में कि बेटा जब तक एक्चुअल आउटपुट, आप भी बड़े ध्यान से समझना, एक्चुअल आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स आप जब तक नहीं ढूंढेंगे,
तक आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन वेरियंस एनालिसिस गलत करेंगे। मतलब क्योंकि आपको अगर कॉस्ट को कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना है, तो आपके पास एक कॉमन चीज होनी चाहिए कि किसको करें। अगर सोचिए ये एक यूनिट का डेटा दिया है और ये अगर पांच यूनिट का डेटा दिया होता तो क्या एक यूनिट को पांच यूनिट से कंपेयर कर सकते थे? नहीं। तो हमें हमेशा एक्चुअल यूनिट ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स कि 30,000 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगेगी और 30,000 यूनिट को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगेगी। क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। मटेरियल समझ में आ गया तो लेबर समझ में आ जाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड वेरियंस सारे समझ में आ जाएंगे अगर आपको रॉ मटेरियल वेरियंस समझ में आ गया। तो सबसे पहली पते की बात कि आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट कितना है फिनिश गुड्स वो ढूंढ लेना है। तो सर एक्चुअल आउटपुट कितना था मेरा, यहां पर एक्चुअल फिनिश गुड्स, सर एक्चुअल फिनिश गुड्स था 30,000। मतलब मेरा पूरा कैलकुलेशन इस 30,000 के सराउंडिंग में होने वाला है कि 30,000 यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी लगनी चाहिए रॉ मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में और 30,000 यूनिट को बनाने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऊपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, फिर बाद में फॉर्मूले को समझेंगे। सर आप कह रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है 30,000 यूनिट में, है ना? तो मैं यहां पे सबसे पहले मेरा रॉ मटेरियल लिख रहा हूं, रॉ मटेरियल जेड के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो रॉ मटेरियल जेड है वो एक यूनिट को बनाने में सर कितना लगता है, 2 यूनिट लगता है या 2 किलो मान लीजिए या 2 यूनिट, जैसा डेटा दिया मेरे को 2 यूनिट दिया तो मैंने 2 यूनिट। तो सर हम 30,000 यूनिट बनाएंगे तो यहां मैंने ऊपर लिख दी क्वांटिटी, यहां मैंने लिख दिया रेट, बेटा ध्यान रखना, और यहां लिख दिया मैंने टोटल। ऐसा आराम से चलेंगे ना घर पे भी, एक्सेल को यूज करो बेटा, एक्सेल आपकी लाइफ चेंज कर देगा। क्वांटिटी तो रॉ मटेरियल जेड की सर 2 यूनिट लगती थी, तो देखो मैंने इक्वल टू दबाया, एक यूनिट को बनाने में कितनी लगती थी 2, तो मैं कितनी बना रहा हूं 30,000 इंटू 2, मतलब मुझे रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60,000 लगानी चाहिए। सर रेट पहले से ही हमने दिया था कि एक यूनिट को 10 रुपए में खरीदेंगे, मतलब रॉ मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए 60,000 इंटू 10, तो 600,000 रुपए में मेरा रॉ मटेरियल जेड आ जाना चाहिए 30,000 यूनिट को बनाने में। चलिए तो ये आ गया रॉ मटेरियल जेड, क्या बोला मैंने कि रॉ मटेरियल जेड जो है वो 60,000 किलो, सर 60,000 किलो कैसे आया फिर से, सर बेटा 2 यूनिट लगती है एक यूनिट को बनाने में, 30,000 को बनाएंगे तो 60,000 यूनिट खरीदनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की, और एक यूनिट 10 की आएगी तो 6 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर रॉ मटेरियल क्यों 3 यूनिट लगती है सर, तो यहां अपने इक्वल टू दबाया, देखो 30,000 एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई इंटू 3, मतलब सर रॉ मटेरियल क्यों 90,000 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी और हमको कंपनी ने बताया है कि 15 रुपए में खरीदना, तो कंपनी अगर देखा जाए तो 90,000 इंटू 15 तो 13,50,000, 13,50,000, तो टोटल यहां पे आ गया टोटल, सर टोटल ले लेते हैं, तो ये देखिए इक्वल टू दबाया, इसको किया प्लस, इसको किया, तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो दी है ना 19,50,000 इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 30,000 यूनिट। 30,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें 19,50,000 का क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा सर, दोनों मिला के रॉ मटेरियल जेड, ये हमारा है स्टैंडर्ड डेटा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं स्टैंडर्ड डेटा। देखो इसी से मैंने कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं सर अभी, तो आपने तो सर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अभी लगाएंगे, धीरे से लगाएंगे बेटा, आराम से। स्टैंडर्ड डेटा को हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल डेटा से। अब हमारे पास क्वेश्चन में सर स्टैंडर्ड डेटा के साथ साथ एक्चुअल डेटा गिवन है क्या, इसको छोटा कर लेते हैं हम यहां से। चलिए तो हाँ सर,
हमने ये एक्चुअल डेटा दिया है, हमें एक्चुअल डेटा, हमने एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 यूनिट यूज़ कर ली सर। बाद में जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि जो रॉ मटेरियल जेड था, रॉ मटेरियल जेड सर, क्वांटिटी लिख दो ऊपर, ये लिख दिया, यहाँ लिख दे देना मन QUTY, ये हो गया रेट और बेटा ये हो गया टोटल, ठीक है। तो आप देखिए रॉ मटेरियल जेड को बनाने के लिए सर 30,000 यूनिट बनाना था, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट, सो सर 30,000 को बनाने के लिए ढाई यूनिट, एक यूनिट के लिए ढाई का कंजम्पशन कर लिया, तो 75,000 यूनिट। और सर माल कितने में खरीद के लेकर आइए, देखो ऊपर लिखा है डेटा, ये 12 रुपये में खरीद के लेकर आए, 12 रुपये में, तो सर 12 रुपये में एक यूनिट खरीद के लेके आए, तो 75,000 × 12, 9 लाख। कितने में खरीदा सर, टोटल कॉस्ट कितनी आई, 9 लाख। किसकी आई सर, रॉ मटेरियल जेड की। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, हमने 6 लाख की स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी कि रॉ मटेरियल 6 लाख का लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई, 9 लाख की आई। तो इसका मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सोचा था उससे ज़्यादा आ गई, कितनी ज़्यादा आ गई, तो यही तो क्या है, वेरियंस, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरियंसिस एनालिसिस। तो यहाँ पे 3 लाख में नेगेटिव लिखूँ कि 3 लाख एक्स्ट्रा लग गई, तो ये नेगेटिव फिगर क्या बोलेगा, पॉज, ये एडवर्स है सर, ये रेड मतलब एडवर्स, मतलब कंपनी का आपने अनफेवरेबल वेरियंस, तो मैं इसको यहाँ पर अनफेवरेबल लिख देता हूँ, है ना, या आप एडवर्स लिख लिए शॉर्टकट में, एडवर्स वेरियंस, कि सर 6 लाख सोचा था और एक्चुअल में आ गई 9 लाख, तो सर कंपनी को 3 लाख का नुकसान हो गया। किस में नुकसान हुआ, केवल रॉ मटेरियल जेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, रॉ मटेरियल क्यू में देखें, क्यू एक यूनिट के लिए हमने एक जो पी क्यू बनाना था उसके लिए हमने एक यूनिट के लिए 4 यूनिट को क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो सर हमने रॉ मटेरियल जो हमारा क्यू था, रॉ मटेरियल सर उसकी हमने देखो एक्सेल में कितना अच्छे समझ में आता है, बोर्ड पे चुरकुट चुरकुट लिखेंगे दिखेगा नहीं पूरा सही तरीके से आपको, दैट्स व्हाई ऑनलाइन क्लासेस इज अ बेस्ट। तो रॉ मटेरियल क्यू सर, रॉ मटेरियल क्यू 30,000 बनाना था और हमने कितना यूज किया, 4, तो सर हमने 1,20,000 यूनिट यूज की, एक यूनिट की प्राइस कितने में खरीद के लेकर आए सर, 20, तो सर टोटल लगा दें यहाँ पे, तो सर 1,20,000 × 20, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए बेटा, 24 लाख, कभी हो जाए तो देख लेना, 24 लाख, और यहाँ कितनी थी, 13,15,000। तो आपने यहाँ पर जो मटेरियल क्यू की जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट की थी वो 13,50,000 की थी, और एक्चुअल में आपने कितनी यूज कर ली, देखो आप 1,20,000 × 20, 24 लाख। तो यहाँ पे भी सर क्या हो गया, माइनस हो गया ना सर, कितना माइनस हो गया सर, तो हमने 13,50,000 सोची थी, माइनस लग गई हमारी कितनी, 24 लाख, तो सर हमें कितने का नुकसान हो गया, 14,000 सर, हमने स्टैंडर्ड सोची थी 13,50,000 की, लगी कितनी, 24 लाख, तो 10,50,000 यहाँ पे भी क्या हो गया सर, एडवर्स हो गया। तो सर एडवर्स एडवर्स को जोड़ दें, नेगेटिव नेगेटिव फिगर्स, तो सर टोटल वेरियंस, ये जो टोटल मटेरियल, बस बड़े ध्यान से समझना, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना आएगा बेटा सर, ये 3 और 10 लाख, मतलब 13,50,000 टोटल कंपनी को क्या हुआ नुकसान। अब सोचिए एज ए CMA, एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट सोचिए आप, आपका दिमाग हो जाएगा खराब कि यार कंपनी ने 30,000 यूनिट में 13,50,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड कर दी, ये टोटल कॉस्ट केवल रॉ मटेरियल के लिए, अभी तो लेबर का एनालिसिस करेंगे हम, ये 13,50,000 सर आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, 10 कम लगा, इसको 10 और लगा देते हैं, तो सर ये 13,50,000 इस वेरियंस को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मतलब कॉस्ट में क्वांटिटी के कारण भी कुछ
वेरियंसेस हैं और कुछ प्राइस के कारण। तो इस वेरियंस का नाम क्या दें हम? इस वेरियंस का हम नाम देंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। क्या नाम देंगे सर? रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो सर रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस के कितने पार्ट होंगे? सर दो पार्ट होने वाले। अब इस रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस को हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे कि ये रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस आया क्यों। तो इसके दो रीजन। पहला रीजन, रॉ मटेरियल प्राइस वेरियंस। और प्राइस के लिए कौन से भाई साहब रिस्पॉन्सिबल थे? ये जो शीट में बताया था, सोचो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आएंगे तो आपको ये निमोनिक्स में ये परचेस वाले भाई साहब दिखना चाहिए कि सर परचेस प्राइस परचेस से रिलेटेड होती है और क्वांटिटी किससे रिलेटेड होती है? यूजेज। ये यूजेज वाले भाई साहब जो हैं ये इनको पकड़ेंगे हम क्वांटिटी के लिए। तो इन दोनों के वेरियंसेस को हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे और पता करेंगे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का जो पहला पार्ट होगा वो होगा रॉ मटेरियल प्राइस वेरियंस। अभी फॉर्मूला तो सर बताया ही नहीं है। अभी बेटा फॉर्मूला बताएंगे, एंड में बताएंगे, आप देखते जाओ कितना मजा आएगा आपको। अभी हमने फॉर्मूले सीखना, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला लगाते थे कई, लेकिन हमने नहीं पढ़ा अभी। तो रॉ मटेरियल परचेस प्राइस वेरियंस और उसके बाद जो दूसरा वेरियंस होगा वो हमारा कौन सा होगा? सर जो दूसरा वेरियंस होगा उसको भी हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एक से इसका कलर चेंज कर लूं, कोई दिखता नहीं है बच्चों को। सर तो जो प्राइस वेरियंस है उसके बाद जो दूसरा वेरियंस आएगा हमारा वो आएगा रॉ मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस या यूजेज वेरियंस, कंजम्पशन वेरियंस उसको कह सकते हैं। तो सर अब हम इसको समझने वाले हैं कि रॉ मटेरियल यूजेज और कंजम्पशन वेरियंस को हम समझने वाले हैं। तो ये तो प्राइस से रिलेटेड है, तो सर इसका मतलब यहां पर हम क्या करेंगे? प्राइस को कंपेयर करेंगे। तो चलिए प्राइस को कंपेयर करते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे लिखी स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लिखी सर? स्टैंडर्ड प्राइस। और इसका कंपेरिजन किससे होगा? एक्चुअल प्राइस से। और सर अभी हम दो अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए निकाल रहे हैं, तो देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला कुछ बना रहा हूँ लेकिन लॉजिक के साथ में कि हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस से क्या करना है? कंपेयर करना है। सर आपने स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस से कंपेयर किया, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। ध्यान रखिए बस यही बात बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से हाईलाइट करूँगा कि सर प्राइस वेरियंस में हम एक्चुअल क्वांटिटी क्यों रख रहे हैं। बस अभी समझा रहा हूँ, पहले आपको कलर डिफरेंट कर दूं ताकि आपको याद रहे कि सर ये जो फिगर आपने लिखा है ये डिफरेंट कलर में इसलिए लगे ताकि बच्चों को याद रहे ये अंडरलाइन। आप सोचिए परचेस, रॉ मटेरियल परचेस प्राइस वेरियंस जो है वो परचेस से रिलेटेड है, तो परचेस मैनेजर को तो फोन आएगा ना प्रोडक्शन मैनेजर का कि भाई साहब इतना माल खरीद लो, हमको इतने माल की जरूरत है। तो वो कितना माल खरीदेगा? जितना उसको प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर हमेशा उसको यही बताएगा ना कि उसको इतने माल की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। वो ये थोड़ी बताएगा कि मैनेजमेंट ने हमको स्टैंडर्ड दिया, उसको जितने की रिक्वायरमेंट्स है वो उसके डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक्चुअल क्वांटिटी खरीद लेगा। तो सर प्राइस जो थी स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्राइस वेरियंस निकल आएगा। मतलब सर हमको यहां पर जो मटेरियल जेड के लिए, मटेरियल जेड के लिए, अब सोचिए केस स्टडी आ गई कभी ऐसी बड़ी और आपने अगर ऐसे प्रैक्टिस कैलकुलेटर कॉपी पे की हुई है तो बेटा कैसे करेंगे फिर आप? तो कंप्यूटर क्यों जरूरी है ये सामने है आपके कि मटेरियल जेड आपने कितनी प्राइस बताई थी सर स्टैंडर्ड? देखो यहां एक यूनिट की प्राइस बताई थी 10, इसको खरीद के कितने में लेकर आए? 12 में। तो सर फॉर्मूले में रख देते हैं, तो फॉर्मूले में रख दिया 10 में बोला था सर ये 10 माइनस 12, ज्यादा में खरीद लिया तो सीधे एडवर्स आना। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? तो देखिए एक्चुअल क्वांटिटी का हमने पूरा डेटा ऊपर बनाया है, ये एक्चुअल क्वांटिटी, तो इसीलिए मैंने ये लिखा था एक्चुअल क्वांटिटी 75,000। ये एक्चुअल डेटा है ना कि हमने 75,000 ये वाली ले लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए यहां लिखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये एक्चुअल कॉस्टिंग। तो हमने यहां पे क्या किया,
अब मटेरियल जेड के केस में सर हमने 75,000 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 75,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मटेरियल जेड है। तो यहाँ पर सर क्या हुआ अगर देखे तो सर 10 का सोचा था 12 में खरीदा, मतलब 2 रुपये एडवर्स इंटू 75, तो मटेरियल जेड में हमने कंपनी की नैया डुबो दी है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्स हो गया, एडवर्स। रॉ मटेरियल जेड जो आपको 10 रुपये में खरीदना था आपने 12 रुपये में खरीदा और 75,000 यूनिट खरीदी, तो एक यूनिट के ऊपर आपने कंपनी के 1,50,000 रुपीज़ का नुकसान कराया। तो हम रिस्पॉन्सिबल परचेस मैनेजर को बोलेंगे कि देखो मटेरियल जेड आपने महंगा खरीदा। अब मटेरियल क्यू में बात करें, सेम चीजें, मटेरियल क्यू में सर प्राइस कितनी दी थी, चलिए बेटा तो ऊपर देखिए डेटा सही से लिखा होना चाहिए तो आपको समझ में आएगा। आप ढूंढ, पता चले आपने डेटा ही सही से नहीं लिखा तो आप ढूंढोगे कैसे। तो मटेरियल हमने जो खरीदना था क्यू वो 15 में खरीदना था, एक्चुअल में कितने में खरीद के लेकर आए, 20 में, और कितनी यूनिट खरीदी, 1,20,000। तो हमने यहाँ पे डेटा कितना लिखा बेटा, 15 और 20, तो यहाँ पे आ जाएंगे 15 और 20, ये 15 रुपये में खरीदना था, ये 20 रुपये इसको क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया इंटू 1,20,000। तो सर यहाँ पे भी तो कंपनी को 5 रुपये का एक यूनिट पे नुकसान हुआ है, तो 5 × 1,20,000, तो 6,00,000 का यहाँ नुकसान हो गया। तो सर ये भी एडवर्स, मतलब परचेस मैनेजर को हम बोलेंगे भाई साहब आप कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, 1,50,000 का तो आपने मटेरियल जेड में नुकसान कराया, 6,00,000 का इधर कराया, मतलब 7,50,000 का नुकसान आप करा चुके हो कंपनी को परचेसिंग, रॉन्ग परचेस करके महंगा माल खरीद के, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग। तो हमने आपको परचेस करने के लिए रखा था, आप तो कंपनी की पॉलिसी से 10 रुपये की चीज 12 में खरीद रहे हो, 15 की चीज 20 में खरीद रहे हो, तो परचेस प्राइस महंगी करी। अब वो जस्टिफिकेशन दे सकता है सर रिसेशन, मतलब मान के चलिए इकोनॉमी में सर तेजी आ गई, वो रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा था, मुझे अर्जेंट में खरीदना पड़ा, प्रोडक्शन मैनेजर का मेरे पे प्रेशर था, तो वो जस्टिफिकेशन देंगे। और यही बैठ के तो आप सीएमए के रूप में एनालिसिस करेंगे वो जस्टिफिकेशन सही है, इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या ना ठहराएं। तो परचेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस, और ध्यान रखना स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करके एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि परचेस मैनेजर खरीदता नहीं है, वो प्रोडक्शन मैनेजर खरीदता, और प्रोडक्शन मैनेजर ने जितना आपको बताया उस प्राइस पर आपने क्या कर लिया होगा, खरीद लिया होगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस वेरियंस। सर अब हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस, क्यू क्वांटिटी यूजेज। तो कहीं ना कहीं आपने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को पहले से बताया होगा कि भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतनी यूज कर लेना, उसने एक्चुअल कितनी यूज करी। आपने उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई होगी कि इतना रॉ मटेरियल यूज कर लेना 30,000 यूनिट को बनाने के लिए, और उसने एक्चुअल कितना यूज किया, 30,000 यूनिट कहां से आ गई सर, ऊपर लिखी थी वो 30,000 एक्चुअल प्रोडक्शन, तो इतनी क्वांटिटी आपको यूज करना चाहिए और आपने इतनी क्या करी है, यूज करिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां पर। अब बस यही ध्यान रखना, यहां पर हम स्टैंडर्ड रेट लेते हैं, बस बच्चों यही बच्चे गलती कर जाते हैं, यहां एक्चुअल रेट ले लेते हैं। सर यहां स्टैंडर्ड क्यों लिया बेटा, यहां पर हम डिफरेंस प्राइस के कारण नहीं ढूंढ रहे, हम डिफरेंस यहां पर किसके कारण ढूंढ रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड रेट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड प्राइस लिख लो, स्टैंडर्ड रेट लिख लो, बात एक ही है। सर आपने स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी या क्यू यू, हम क्वांटिटी के कारण डिफरेंस ढूंढ रहे हैं कि कितना ज्यादा यूज कर लिया, तो हम प्राइस का एलिमेंट यहां नहीं डालना चाहते बच्चों, तो हम यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब कई बच्चे रट रहे हैं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, अरे बेटा ऐसे भूल जाओगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ऐसे फॉर्मूले, ऐसी शीट आपको, ये शीट मेल कर दूंगा मैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। क्यों स्टैंडर्ड रेट सर, क्योंकि वी आर फाइंडिंग द रीजन फॉर क्वांटिटी नॉट फॉर द रेट, रेट का एनालिसिस तो हम यहां कर चुके हैं। तो सर अब मटेरियल जेड की क्वांटिटी कितनी बताई थी सर, ऊपर लिखी हुई है, चलिए मटेरियल जेड की भी लिख लेते हैं इधर, मटेरियल क्यू की भी लिख लेते हैं।
तो सर मटेरियल जेड की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो, ये 60 थी, एक्चुअल कितनी यूज़ करी 75, तो लिखा सर 60 और 75, सीधे समझ में आ गया सर कि यहाँ भी एडवर्स आने वाला है। 60 हमको स्टैंडर्ड दिया था, 75 हमने यूज़ किया, और स्टैंडर्ड रेट हमने 10 रुपये था, ये यही पता कर लेते हैं। ये देखो स्टैंडर्ड रेट सामने लिखा हुआ 10, ऊपर जाते तो भी वही, तो मल्टीप्लाई 10, तो सर सीधी बात है कि 15,000 × 10 हो जाएगा। 60 लगना था, 75 लगा दी, 10 1.5 लाख। सर मटेरियल क्यू के बारे में बात करें, मटेरियल क्यू की सर हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सोची थी, सर हमने सोची थी 90, उन्होंने लगा दी 120, 1,20,000 लगा दी, तो चलिए बेटा 90,000 माइनस 1,20,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 15 रुपये था सर। जरा सा भी रेट वेट गलत लिख लिया ना फॉर्मूले में, रोटाफिकेशन करे तो गलती हो जाएगी, तो 30,000 एक्स्ट्रा लग गई इंटू 15, तो टोटल कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस माइनस, ये सारा एडवर्स ही है ना, इसको एडवर्स एडवर्स लिख दो, भूल ना जाना एडवर्स एडवर्स। तो सर ये टोटल नुकसान कितना हो गया, 1,50,000 प्लस 4,50,000, तो टोटल सर 6 का नुकसान, ये 6 का इधर, तो सर प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 6 लाख, प्राइस वेरियंस इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी वेरियंस, और सर परचेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7,50,000, और दोनों का टोटल हमारा ऊपर आ गया था 13.5 लाख। ये देखो एनालिसिस, मतलब सर कॉस्ट वेरियंस दोनों का क्या होता है, टोटल होता है। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपका आंसर टेली हो जाएगा किसी 13,50,000, तो ये था 7,50,000 और 6 लाख। तो हमने क्या किया, एनालिसिस किया, हम परचेस मैनेजर को अलग पकड़ेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को अलग पकड़ेंगे, और दोनों को बिठाएंगे और बोलेंगे आगे से ऐसी गलती मत करना, आपने कंपनी का 13.5 का। तो सोचिए एज ए CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ों को एनालिसिस करना। आप सोचिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेंगे मटेरियल जेड में कितना एडवर्स, तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट होगी हमारी, हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्लैम से इसीलिए बोलते हैं कि देखिए आपको सही रिव्यू प्रोवाइडर्स को भी यूज करना पड़ेगा, और टेक्निकल टीचर जो कि आपको अपनी ओन लैंग्वेज में बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में, और इनके आपको वीडियोस मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, ये जो लेक्चर है लाइव लेक्चर चल रहा है, इनके आपको क्या करेंगे वीडियोज आपको मिलने वाले। तो इस तरीके से आपको तो सर रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू प्राइस वेरियंस प्लस क्वांटिटी वेरियंस, ये दोनों का टोटल होता है कॉस्ट वेरियंस। अब सर फॉर्मूला भी लिख दीजिए, तो बेटा रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस जो मेन था उसका फॉर्मूला क्या बन गया सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब बताइए फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, अगर वीडियो अच्छे से देखा है पूरा तो आपको पूरा समझ में आएगा। लेस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, तो इससे क्या निकलेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। और इस कॉस्ट वेरियंस के दो पार्ट होंगे, इसके कितने पार्ट होंगे बेटा, दो पार्ट होंगे, जो निकलेगा आपका प्राइस वेरियंस। तो प्राइस वेरियंस में हम क्या देखते हैं सर, हम स्टैंडर्ड रेट ले लीजिए या प्राइस बोल लीजिए, बात एक ही है, माइनस एक्चुअल एक्चुअल रेट जो एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए इनटू सर यहां पर क्वांटिटी कौन सी ले लें बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों सर, फोन आएगा, बस ये फोन आएगा, ध्यान रखना, ये देखो मेरी तस्वीर याद रखना, फोन आएगा कहां से, प्रोडक्शन मैनेजर से, कि भैया इतना माल खरीद लो, तो वो इतना खरीद लेगा। और इसी तरीके से हम दूसरा जो वेरियंस निकाल रहे हैं वो कौन सा है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल एक्चुअल इनटू क्वांटिटी में कौन सा रेट सर, स्टैंडर्ड रेट। क्यों सर स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि प्राइस के कारण नहीं, क्वांटिटी के कारण, और इन दोनों के जो डिफरेंस होंगे वो रॉ मटेरियल। तो कई बार बच्चे इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी।
अब कई बार बुक्स में ऐसा लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनटू एक्चुअल। देखो तो ये मैंने ब्रैकेट खोला, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो बुक्स में कई बार ऐसा लिखा हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कई इंटरनेशनल स्टूडेंट जो मुझसे कतर से बेचारे बुक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि सर यहाँ तो हमें एक फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कतर से, दुबई से, बहुत सारी कंट्रीज से हमसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, पूरे इंडिया से बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लॉजिक क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको इस तरीके की पीपीटीज से पूरे समराइज वे में नोट्स से डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझा दिया जाए और किस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, तो आप क्या है पास हो सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपको एक यूएस सीएमए को पास करना है तो गाइस आपको एक बहुत अच्छे लेवल की क्या है, कॉन्क्रीट स्टडी करनी होगी अपनी ओन लैंग्वेज में, टीचर की नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारी लाइव ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस होती हैं, कॉन्सेप्ट को समझा के, प्रैक्टिकल सिनेरियो को, सिचुएशन बना के हम आपको समझाते हैं। और इसके बेसिस पर अब मेरी गारंटी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस में एक भी ऐसा वेरियंस नहीं होगा जो आपसे ना बने। चलिए तो दूसरे लेक्चर की ओर चलते हैं, जिसमें कि हम मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को करेंगे। तो ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाला है, तो गाइस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।